हे गाइस, पाई नेटवर्क में सच में सबकी केवाईसी हो गई है क्या? अगर केवाईसी जिनकी नहीं हुई है तो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं केवाईसी स्लॉट जल्दी से जल्दी अवेलेबल करने के लिए? और नेक्स्ट है कि बहुत लोगों के ये भी सवाल फिर से आ रहे थे कि हमको अपना नाम चेंज करना है तो उसका क्या है, कैसे नाम चेंज करना है वो बताओ, नेम चेंज करना है तो। और बहुत लोगों के ये भी सवाल आ रहे थे गाइस कि अपने को फ़ोन नंबर भी चेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें, तो आज की वीडियो में आपको पता चलने वाली है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सोनू क्रिप्टो। गाइस, आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, केवाईसी नहीं आने का कारण क्या है वो आपको पहले बता देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपकी अगर पीआई नेटवर्क में गाइस 30 डेज तक आपने कंटिन्यूस माइनिंग नहीं की है, सेशन कंप्लीट नहीं किया है, तो आपकी केवाईसी अवेलेबल नहीं होगी। आपने पाई नेटवर्क का कौन सा भी है कि वॉयलेट तो नहीं किया है, उनकी प्राइवेसी पॉलिसी जो भी रहती है, क्योंकि इसमें क्या रहता है कि आपको बॉट करके डिटेक्शन कर देते हैं या फिर फेक एक अकाउंट करके डिटेक्शन कर देते हैं, उसकी वजह से आपकी केवाईसी के स्लॉट नॉट अवेलेबल करके बार बार दिखाने लग जाता है। तो अभी आप पूछोगे इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन एक ही है जो है आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, एक फॉर्म फिलअप करना है सिंपल वाला। तो अभी मेनली पहले कैसा था कि बीच में केवाईसी आपको इधर ही आ रही थी जब माइनिंग सेशन क्लिक कर रहे थे। अभी क्या हो गया कि आप इधर पीआई ब्राउजर सेक्शन में जाते हो गाइस, तो यहाँ पर आपको एक एवरी टाइम चेक करना पड़ेगा कि आपकी केवाईसी आई है कि नहीं। तो यहाँ पे KYC.PI है, इसके ऊपर क्लिक करके आपको चेकआउट करता रहना पड़ेगा कि KYC आई है कि नहीं। दो गलतियाँ जो रहती है वो बता चुका हूँ, 30 डेज होना चाहिए और आपका बॉट सेक्शन में आ गया तो उसका क्या करना है वो बताने वाला हूँ। और फिर वीडियो में आगे बढ़ के आपको ये बताऊँगा कि आपको अगर नेम चेंज करना है, फ़ोन नंबर चेंज करना है तो ये सब कैसे कर सकते हो, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो गाइस, आपका KYC के लिए स्लॉट्स नॉट अवेलेबल दिखाने लग रहा है अभी तक, तो आपको सिंपल क्या कर देना है, ये वाले आपको एक फॉर्म दे दूंगा, इसकी लिंक प्रोवाइड करूंगा। ये गाइस मैं सेकंड टाइम आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक बार फिर से किया हुआ था टेलीग्राम के अंदर। तो यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहला काम रहेगा साइन इन टू गूगल। आपको इसमें गूगल अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा ये फॉर्म फिलअप करने के लिए। अभी आप बोलोगे कौन सा गूगल, जिससे पाई नेटवर्क का आपका अकाउंट बना हुआ है, ठीक है, क्रिएट हुआ है, उससे आपको साइन इन कर लेना है। और सबसे पहले यूज़र नेम पूछेगा, तो यूज़र नेम कहाँ से मिलेगा गाइस, आपको पाई नेटवर्क के अंदर आपका यूज़र नेम मिल जाएगा। उसके बाद आपको है कि इधर दो सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन के जवाब किस तरीके से सही तरीके से आपको देना है वो भी आपको इधर मैं राइटिंग में दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो बाद में स्क्रीनशॉट भी ले लेना। और नेक्स्ट के बाद इधर लास्ट में आपको क्या टिक करना है, फिर सबमिट करना है, वो जाके बता रहा हूँ। जिनका KYC स्लॉट्स बार बार स्लॉट नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ना, उसके बारे में ये फॉर्म फिलअप करने के बाद 7 डेज के बाद आपका ये एक बार चेकआउट करेंगे 7 डेज के अंदर, उसके बाद ओके हुआ तो आपको KYC स्लॉट्स दे देंगे, आपको पीआई ब्राउजर में जाके चेकआउट करना रहता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यूज़र नेम के लिए आपको सिंपल इधर 3 लाइन रहता है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करोगे तो आपका यूज़र नेम दिखाने लग जाएगा। इस यूज़र नेम को इधर पेस्ट कर देना और सेकंड चीज़ में क्या लिखना है, देखो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, आई डू नॉट नो वाई आई एम नॉट एबल टू अप्लाई फॉर KYC। नेक्स्ट है आपको ये पूछेंगे वाई शुडंट दिस बिहेव टू असर्ट द फेक अकाउंट्स है कि नहीं, आपका ये पूछने के लिए क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट में आपको ये जवाब देना है, आई डिड नॉट डू एनी सस्पिशियस एक्टिविटी, मैंने कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की है बट स्टिल कैन नॉट कंप्लीट माई KYC, सो प्लीज़ रिसॉल्व दिस इश्यू एक्सेप्ट करके ये वाला भी लिख देना है। तो गाइस उसके बाद क्या रहता है, नीचे आपको पूछा जाएगा आई एम नॉट एबल टू स्टार्ट ए KYC एप्लीकेशन, तो ट्रू है, इसके ऊपर सिंपल आपको क्लिक कर देना है। और ये होने के बाद सिंपल आपको इधर सबमिट है, सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ये वाला मैं फॉर्म आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस सबमिट के बाद 7 डेज के अंदर आपकी KYC स्लॉट अवेलेबल रहेगा, मिलेगा, तो आपको हर टाइम पाई ब्राउजर में चेकआउट करना है आफ्टर 7 डेज, 7 दिन के बाद, ठीक है, हर टाइम उधर जाके पाई KYC का स्लॉट चेकआउट कर देना है। अभी गाइस दूसरी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वो हम सॉल्व करने जाएंगे, जैसे कि अपना नाम चेंज करना है, चेंज नेम। बहुत लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि नाम चेंज करना है, तो उसके साथ साथ मुझे ये भी क्वेश्चन आए कि हमको फ़ोन नंबर ही चेंज करना है, और बहुत लोग ये भी क्वेश्चन आए कि हमको यूज़र नेम भी चेंज करना है। तो सबका आपका आंसर इसी एक जगह पे मिलने वाला है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक और लिंक प्रोवाइड करूँगा ऑफिशियल पाई नेटवर्क की है, ठीक है, तो ये चाहे तो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा और टेलीग्राम में ऑलरेडी पहले भी दी हुई है।
और मेनली आपको बता देता हूँ ये ऑफिशियल है, आप चाहे तो खुद भी क्रॉस चेक कर सकते हो, mindpy.com करके लिखा तो आपको गूगल में भी ये वाला मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले काम रहता है थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है, सपोर्ट है, सपोर्ट के ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना है पूरा, और लास्ट सेक्शन में इधर थर्ड वन दिखाई देगा, एक्सप्लोर दी सपोर्ट पोर्टल, इधर छोटा सा एरो है इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है, सपोर्ट पोर्टल है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इस पोर्टल से आप अपना फ़ोन नंबर चेंज कर सकते हो, अपना नेम भी चेंज कर सकते हो, बट नेम में कुछ कंडीशन है वो आपको आगे बता रहा हूँ। अभी मेनली बात कर लेते हैं नेम चेंज, फ़ोन नंबर चेंज, ये सब कैसे हो सकता है। तो अकाउंट सेटिंग इन ईमेल रिक्वेस्ट है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ओपन हो जाएगा, इधर सिंपल स्क्रॉल डाउन कर देना है, इधर कुछ फिल आउट करना है, ठीक है, कुछ फिल करना है, उसके बाद आपको क्या चेंज करना है वो आपको लिखना है। तो इधर सबसे पहला पूछा जाएगा ईमेल कंफर्मेशन टू, तो आपको क्या करना है वो देख लो, ईमेल इधर पेस्ट कर देना है, आपका कौन सा ईमेल जिससे पाई नेटवर्क अकाउंट बना हुआ है। पाई यूज़र नेम कहाँ पे मिलता है, प्रोफाइल सेक्शन पे जाना है, थ्री लाइन पे क्लिक करते पाई नेटवर्क ऐप के अंदर, उधर आपका पाई यूज़र नेम मिलता है, उसको कॉपी कर लेना है और इधर आके पेस्ट कर देना है। सेकेंड है कंट्री, तो आप किस कंट्री से हो, मैं हूँ इंडिया से तो मैं इंडिया इधर फिल आउट करूँगा, आप अगर अदर कंट्री से हो तो अदर कंट्री फिल आउट करो। और नेक्स्ट लिखा है व्हाट इज़ द एस्टिमेट ऑफ द डेट दैट यू क्रिएटेड योर अकाउंट करके पूछेंगे, तो इसका क्या जवाब देना वो देख लो। ये पूछ रहा है कि कब आपने अकाउंट क्रिएट वगैरह किया था, तो इसका आपको जवाब देना है अंदाजन, क्या क्या आपको 6 महीने थे कि 1 साल थे, तो आपको एक बोल देना है भाई जनवरी में किया था, आपको एक तो अंदाजा रहेगा ना कौन से टाइम पे आपने ये किया था। और नीचे इधर पूछा जाएगा आपका फ़ोन कौन सा, एंड्रॉयड है या एप्पल आईफोन है, तो आपको सिंपल इधर एरो पे क्लिक कर देना है, एप्पल है तो एप्पल आईओएस सिलेक्ट करना है, एंड्रॉयड फ़ोन है तो एंड्रॉयड सिलेक्ट कर लेना है। नॉर्मली सबके पास एंड्रॉयड रहता है तो एंड्रॉयड ही सिलेक्ट करो, जिसके पास आईफोन है वो आईफोन सिलेक्ट करो, ठीक है। अभी इधर मेन है आपका इश्यू क्या है, आपको क्या चेंज कराना है, आपको नाम चेंज कराना है तो आपको ये वाला ही सिर्फ सिंगल टिक करना है, आपको यूज़र नेम चेंज कराना है तो सिंपल ये वाला ब्लॉक टिक कर देना है, आपको नंबर चेंज कराना है तो आपको ये वाला ब्लॉक टिक कर देना है, आपको पासवर्ड चेंज करना है तो ये वाला ब्लॉक टिक कर देना है, रिपोर्ट डुप्लीकेट अकाउंट करना है तो ये वाला ब्लॉक टिक कर सकते हो। तो जो भी है आपको जो चेंज करना है वो ब्लॉक उसी सिंगल एक ही ब्लॉक को टिक कर देना है, और यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा ये देख लो। अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपको लिखना पड़ेगा आई वॉन्ट टू चेंज माई नेम फ्रॉम पुराना जो नाम है वो लिखना है टू नया नाम है वो लिख देना है, ठीक है। डैश डैश मतलब उधर आपको पुराना नाम पहले लिखना है, नया नाम बाद में लिखना है, ठीक है। वैसे ही आपको एक समझो नंबर चेंज करना है, तो इधर आई वॉन्ट टू चेंज माई फ़ोन नंबर फ्रॉम पुराना ओल्ड वाला लिखना है टू न्यू वाला लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिल आउट करके फ़ोटो चाहे तो फ़ोटो भी भेज सकते हो, स्क्रीनशॉट भी आप भेज सकते हो कि कौन सा आपका पाई प्रोफाइल का स्क्रीनशॉट लेके इधर भेज सकते हो, या फिर वो भेजने के बाद सिंपल इधर सेंड है, सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको क्या करना है पाई नेटवर्क ऐप के अंदर जाना है, थ्री लाइन पर क्लिक कर देना है, उधर आपका प्रोफाइल मिलेगा, नीचे आप आओगे तो उधर प्रोफाइल पे क्लिक कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, और ये ब्राउज़र सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करके वो स्क्रीनशॉट इधर पेस्ट कर देना है और सिंपल सेंड पे क्लिक कर देना है। तो ये सिंपल तरीका है नेम चेंज वगैरह का सब चीज़ों का, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो पूरी अपडेट कि हम इधर सेल कहाँ से करें। सेल गाइस करने के लिए OTC मार्केट बहुत सारे हैं जो जेन्युइन रहेंगे, मैं 3-4 आपको ढूंढ के दूंगा। तो आज की वीडियो में अपडेट कैसी लगी, कि कैसे आपको चेंज वगैरह करना, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। मिलते हैं अगले दोस्तों, टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।